आज लिटरली मैं आज मुझे डॉक्टर्स ने भी हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, वो पीट पीट के, क्योंकि मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो खत्म हो गई और मैं बिल पे नहीं कर पा रहा था। अरे भैया बहुत बुरी बात हुई, बिल्कुल अवेंजर्स के साथ ही गलत हो रहा है। अरे हाँ भैया ये तो गलत हो रहा है। एक मिनट गाइस, मुझे देखने दो क्या हो रहा है। अबे निकल यहाँ से लंगड़े लूड़े, तू क्या देखेगा। अरे मुझे भी देखने दो ना। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है टोनी स्टार्क अपने सारे कॉमरेड मतलब सारे के सारे अवेंजर्स को आज बुरी तरह से मेज बैंक के ऊपर से गिराकर मारने जा रहा है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहा है। व्हाट, ये क्या सुन रहा हूँ मैं भाई, ये सच नहीं हो सकता। गाइस हमें मेज बैंक तक पहुंचना पड़ेगा ऊपर। वैसे तो मैं मेज बैंक के नीचे ही हूँ, बट ऊपर तक कैसे जाऊं भाई, मैं तो यार चढ़ के भी नहीं जा सकता। लिफ्ट नहीं यार, लिफ्ट का तो मुझे पता भी नहीं है यहाँ पर है कहाँ पर। गाइस आइडिया, हम पहले किसी दूसरी बिल्डिंग पे जाते हैं लिफ्ट के थ्रू, उसके बाद हम वहां से सीधा मेज बैंक पहुंच जाएंगे। अबे निकल यहां से। ऑलरेडी दोस्तों मुझे यहां से वहां जाना होगा। आइडिया, मैं काम करता हूं यहां से। ओ भाई मुझे धक्का देगा थोड़ा सा। अबे तू तो मेरे को गिरा दिया, ये लगाई जंप। अरे अरे भैया, अरे 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 आराम से आराम से। गाइस फाइनली मैं इस बैंक पे पहुंच गया। चल चल चल, कम ऑन फ्रैंकलिन, तू कर सकता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, प्लीज हल्क को माफ कर दे। ओ भाई साहब, मुझे टोनी की आवाज आ रही है। लगता है गाइस न्यूज़ रिपोर्टर सही कह रहा था, ये सब क्या हो रहा है मुझे पता करना पड़ेगा। अरे बाप रे टोनी, हमसे गलती हो गई, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। हम मुझे तुम्हारी कौन मारा मुझे, अबे कौन था ये, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं बाहर। अबे फ्रैंकलिन तू, अबे तू जिंदा है, इसका क्या मतलब है भाई, मुझे लगा तू अभी तक मर चुका होगा बिजली के और साथ साथ में हॉस्पिटल के बिल पे करते करते। अरे बात तो सही कह रहा है यार, मैं पूरा गरीब हो गया, पहले घर के खर्चे ने मार डाला, फिर हॉस्पिटल के खर्चे ने मार डाला। पर तू ये बता, तू यहाँ पर इनको क्यों मार रहा है। इन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास सिर्फ आयरन मैन का सूट बचा है, उसी सूट से मैं इनकी जान ले लूंगा। नहीं टोनी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ कहेगा, चल निकल यहाँ से। नहीं प्लीज टोनी भाई, क्यों मार रहा है मुझे। गाइस अगर आप भी मेरे साथ मेरी बात से सहमत है तो जल्दी से प्लीज वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। हमें टोनी के बच्चे को रोकना होगा, इसके पास कोई हक नहीं अवेंजर्स को मारने का। बिल्कुल सही कहा है। ओए वो छोड़ दो टोनी सर, सबसे पहले हल्क के बच्चे को फेंकूंगा। हाँ, इसने बर्गर खा खा के मेरी आधी जायदाद खा ली, मैं लिटरली मैं इसको खत्म करूंगा, दो दो बार मारूंगा। अब तुम लोग भी मरने वाले हो, तुम्हारा भी अंत आ चुका है। नहीं टोनी सर, ओए मार दिया। उठी कसम, मेरे साथ कुछ मत करिए, मार दिया। मैं तो अंतर्यामी था, मुझे क्यों मारा, मजा ही आ गया। अब जाके मेरी मुसीबत कम हुई, अब मैं अपना साइज 8,000 करोड़ करके रहूंगा, वो भी बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। एक मिनट, ये फ्रैंकलिन फिर से बच गया। अरे बाप रे गाइस, मुझे इस टोनी ने बहुत बुरी तरह से पीटा। मेरी व्हीलचेयर, नहीं भाई इसमें तो आग लग गई। ओ हेलो, कोई प्लीज फायर ब्रिगेड लाओ या फायर एक्सटिंग्विशर, मुझे इस आग को बुझाना पड़ेगा। गाइस पता नहीं अवेंजर्स के साथ क्या हुआ, क्या टोनी ने अवेंजर्स को मार दिया। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट में जल्दी यस या नो लिख के बताओ, बाकी मैं ऊपर चढ़ चढ़ के आ गया हूं, अब जाके देखना पड़ेगा। एक मिनट, ये नीचे से कौन आ रहा है। हल्के तो मजे आ गए, हल्क का साइज तो 8,000 करोड़ हो गया, हल्क तो गोल्डन लेजर मैन बन गया। भाई साहब ये सामने कौन है। अबे ये कौन है। अरे मैं हूँ और हल्क है, मैंने हल्क ने बहुत मेहनत की और बदले में हमने अपना साइज 8,000 करोड़ का लेजर मैन का गोल्ड मैन सूट बना लिया। ओ भाई साहब, ये रेडल की और हल्क की आवाज इस सूट के अंदर से आ रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कैसा कुछ हो सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, ये सब हो कैसे सकता है भाई। ओए हल्क के बच्चे तू कहाँ पर है, बाहर निकल। हल्क फोड़ेगा, हल्क यहाँ पर रेडल का साथी बन के इस टोनी स्टार्क को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, इस टोनी ने बहुत अत्याचार किए हैं बेचारे हल्क पे, मैंने उसका साथ दिया, ये कैसे हो सकता है। हल्क ने बहुत मेहनत की और इसने हल्क मरने की जगह अब एक नया जन्म लेकर आया है, हल्क गोल्डन लेजर मैन बन गया है। और बाप रे गाइस, मेरे को तो लगता है यार टोनी ने इन लोगों को फेंका नीचे और शायद ये किसी तरह के पोर्टल में चले गए, जिस वजह से ये इतने ज्यादा अमीर और खतरनाक सूट को साथ लेकर आए। फिर तो मैं भी जा रहा हूँ, चावेस मेरा सूट हटा दो। यार भैया सूट हटा के बैंड बजवा ली मैंने, चावेस मेरा सूट रिपेयर मोड पर डाल दो, बाकी मैं जाता और मैं भी कोई गॉड लेवल का सूट लेकर आता हूँ। गाइस मुझे भी जाना चाहिए, अवेंजर्स वापस क्यों नहीं आए, सिर्फ हल्क ही क्यों आया, हल्क जच पाया बाकी सब मर गए। ओ माय गॉड, इसका मतलब कुछ लोग ही जीत पाएंगे बाकी हार जाएंगे। कोई नहीं दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो जल्दी लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब, हम भी जा रहे हैं भाई। एक मिनट, ये तो मैं किसी जंगल में आ गया यार, ये सब क्या चल रहा है, मेज बैंक से मैं सीधा जंगल में कैसे आ सकता हूँ। एक मिनट भाई साहब, मेरे पीछे ये माइनशाफ्ट है ना गाइस, माइनशाफ्ट यहाँ पर क्या कर, अरे बाप रे लगता है माइनशाफ्ट यहाँ पर इसलिए ये कर रही है क्योंकि मैं इधर आ चुका हूँ। गाइस पक्का इसके अंदर कुछ है भाई, चलिए जल्दी से यहाँ पर इसका डोर फोड़ते हैं। क्या एक मिनट में एक बात समझ आई, इसका डोर क्यों लगा पड़ा था, कोई इसके अंदर गया भी है नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई मैं कुछ गलत जगह आ गया हूँ। ओ माय गॉड, ये सामने से रोशनी, ओ भाई साहब कहीं ऐसे तो नहीं है सामने गोल्ड रखा हो और उसकी रोशनी चमक रही हो, भाई मजा आ जाएगा। चलिए गाइस जाके देखें तो सीकर, हैं
ये क्या, ये तो एक फायर ट्रेडमिल है, इसमें से आग निकल रही है, क्या खतरनाक लेवल की। क्या लगता है गाइस, इस पे भागने से कहीं हल्क और रेड हल्क के पास इतना बढ़िया गोल्डन लेजर का सूट तो नहीं आ गया। गाइस हो सकता है, हम भी एक काम करते हैं, इस पे भाग के देखते हैं, आपको क्या लगता है, यस या नो लिखकर बताइए। भागो, अरे बाप रे, जल्दी जल्दी भागो, मेरे अंदर बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है यार, बोलने की हालत भी नहीं बची है। ओ भाई साहब, ये क्या, ओ माय गॉड, ये क्या बन गया मैं, लेकिन यार ट्रेडमिल ब्लास्ट हो गया। लेकिन गाइस बदले में ये देखिए, मेरा साइज 6000 हो गया और मैं कुछ तो बनाऊं, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। ओ भाई साहब, मैं तो डायमंड कैमरामैन में अपग्रेड हो गया, वो भी 6000 साइज के साथ, क्या बात है गाइस। बट यार वो ट्रेडमिल खराब हो गया, अगर वो ट्रेडमिल ठीक होता तो हम अपना साइज और बढ़ा सकते थे। बट गाइस देखिए, लिटरली मैं यार गाइस, मैं अपने कैमरे का यूज करके आसपास ट्रेडमिल ढूंढता हूँ, वहां कौन है भाई साहब, कुछ तो दिखाओ मुझे। गाइस हमें देखना पड़ेगा, मेरे को लगता है क्या पता वहां पर एक और ट्रेडमिल हो जो हमारा साइज 6000 से 17000 कर सके। और जल्दी भाग, अरे कब से भाग ही तो रहा हूँ, मेरा साइज क्यों नहीं बढ़ा, मुझे लगता है ये ट्रेडमिल एक्सपायर हो गया, नया ट्रेडमिल लानी पड़ेगी। पर तू फिर भी भागता रहा बाची। हाँ, भाग रहा हूँ, बहुत चीज़ भाग रहा हूँ। ओह सब, डॉक्टर मेक्सिड, ये सिंचन इस ट्रेडमिल पे क्यों भाग रहा है? और बाची, इसको अपना साइज बढ़ाना है, इसको कौन सबसे खतरनाक गॉड स्पीकरमैन बन जाना है। लेकिन लगता है ये ट्रेडमिल एक्सपायर हो गया, तू इधर क्यों आया? मुझे भी ट्रेडमिल चाहिए, मुझे भी अपना साइज बढ़ाना है, फिर तो उसके लिए तुझे कॉम्पिटिशन लड़ना होगा। चल बच्चे सिंचन, तेरे लिए अभी नए ट्रेडमिल के लिए मुझे कॉम्पिटिशन लेकर चलता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ तो बच्चा लोग, मैं तुम सभी को एक कॉम्पिटिशन पर लाया हूँ। अरे लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, हल्क को तो लगता है डायरेक्टली ट्रेडमिल मिल गया था। नहीं भाई, मुझे लगता है उसने भी कंपटीशन लड़ा था। बिल्कुल सही कहा बच्चे, तुमको अगर जीतनी है तो कंपटीशन लड़नी होगी, और यहाँ पर खतरनाक रेड इसके ब्रिज से बचनी होगी। माना गया ये बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं, इसलिए इनसे बचकर जाओगे तो ही ट्रेडमिल पाओगे। उसके बाद यहाँ पर जंप लगाओगे, तुम्हें मिलेगा जायंट स्किबड़ी विद फायर। अरे बाप रे, यहाँ तो खतरनाक आग लगी पड़ी है। हाँ यार, आग तो तगड़ी है भाई। लेकिन बच्चा लोग, जैसे तुम आगे जाओगे यहाँ पे तुम्हें फायर दो हल्के और डायमंड मैन मिलेंगे। अलग अलग स्पीशीज के लोग हैं यहाँ पे, तो ये सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वाटर स्क्यूबडी को, और साथ साथ में इसके एक स्पेशल ट्रेडमिल को। तुम लोग इनको हराओगे, इसमें चकमा देकर जाओगे तो इस ट्रेडमिल में भाग पाओगे। एक बंदा ही यूज कर सकता है और अपना साइज बढ़ा सकता है। लेकिन बच्चा लोग, घबराना नहीं, अभी तो रेस की शुरुआत हुई है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कुछ सुपर बाइक मिलेंगी, चाहो तो यूज भी कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। मैं तो करूंगा भाई, बाइक से हम लंबी जंप लगा सकते हैं और यहाँ पर ज्यादा तेजी से भाग भी सकते हैं। ओ भाई साहब, इसलिए तुमको इन बाइक पर बैठ के खतरनाक राउंड राउंड से पहियों से निकलनी होगी, और उसके बाद सबसे फिनिश लाइन को पार करते हुए यहाँ पहुंच जानी होगी। भाई साहब, तो इसको अगर हमने पार किया तो हम फिनिश लाइन पहुंचेंगे। बिल्कुल सही कहा बच्चा लोग, और यहाँ पर मिलेगा तुम्हें बहुत स्पेशल फूलों वाला ट्रेडमिल जो तुम्हारे साइज को और खतरनाक ताकत को और तगड़ा तरीके से करोड़ों गुना बढ़ा देगा। लेट्स गो भाई। अरे कैसे लेट्स गो, क्या लेट्स गो, सबसे पहले मैं जाऊंगा, एक बार मैं दुनिया का सबसे खतरनाक डायमंड टीवी मैन बन जाओ, उसके बाद इस टोनी को छोड़ोगा। रे डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे गुस्से में, और हो भी क्यों नहीं, टोनी के बच्चे ने यहाँ पर अवेंजर्स को फेंक दिया था। अबे ओए फ्रैंकलिन, तू कुछ ज्यादा बोल रहा है, मेरे साथ कोई चलेगा? अरे हाँ, मैं चलूंगा ना। मैं भी चलूंगा। व्हाट, टोनी यहाँ पर सिंचन और पिंचन को क्यों लेके जा रहा है? सिंचन पिंचन इसके साथ मत जाओ, उसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है भाई बीच रास्ते में तुमको फेंक दे। बकवास बंद कर फ्रैंकलिन, मैं तेरी तरह नहीं हूं। ओए डॉक्टर स्ट्रेंज, बच्चे सामने से हट कहेंगे, मुझे धमकी देता है। टोनी तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे वाह, काफी मजा आ रहा है, पर आग से कैसे बचे? मेरे पास एक प्लान है, पहले आग से बाद में बचेंगे, यहाँ पर दूसरे लोग बैंड पर बजाएंगे। गाइस ये टोनी क्या कर रहा है, तो ये देख नहीं रहा है भाई, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ पर खतरनाक बॉम्ब लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या होने जा रहा है। ओ नहीं, ये क्या भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज बेचारे को गिरा दिया इसने। चीटिंग हुई है मेरे साथ, बहुत बड़ी चीटिंग। छोड़ूंगा नहीं मैं टोनी के बच्चे को, मैं तेरे को मरने के बाद भी सताऊंगा, तेरी आत्मा बन के तेरा भूत बन जाऊंगा। डॉक्टर ने क्या ही बद्दुआ दी है यार, लिटरली मैं टोनी को बकवास बंद कर फ्रैंकलिन, ऐसी छोटी मोटी बद्दुआओं से मुझे कुछ नहीं होता। उड़ी कसम, अब मैं आ रहा हूँ, अब तो मेरा हथौड़ा यहाँ पर बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट, ओ भाई साहब, इतने टाइम बाद थॉर को मैं उसकी रियल पावर यूज करते देख रहा हूँ। उड़ी कसम, हमला करूंगा और इस रैम को तोड़ दूंगा जिससे कोई आगे ना बढ़ पाए, और ओडिन पुत्र दुनिया का सबसे खतरनाक गॉड स्पीकर मैन बन जाए। बाप रे गाइस, लिटरली मैं यार, इस थॉर ने क्या कर दिया। ओ भाई साहब, इसने तो थंडर ला दिया, पूरा मौसम ही बिगाड़ दिया। अबे थॉर के बच्चे क्या कर रहा है ये तू? अरे काफी मजा आ रहा है, किस तरह से मैं सबको मारूंगा। भाई साहब गाइस, ये थॉर का बच्चा तो भाई सबको पीटते आगे बढ़ते चला जा रहा है। हो, मैं तुमको ही छोड़ूंगा नहीं। अरे बच्चे, तू हमारा कुछ नहीं मार सकता, बिजली वाला अटैक। अरे मार दिया यार इसने तो। ओए थॉर के बच्चे को पकड़ो कोई। अबे ये थॉर तो आगे बढ़ जाएगा। ओए मैं आ रहा हूं अपने मकड़ी के जाले से थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को और उसके हथौड़े को छीन लूंगा। मैं तो यहां पर चेंज शो मैन बन जाऊंगा। ओ भाई साहब, अब ये क्या चल
रहा है यार, चॉप देख रहा है इसको। वाह भाई कलवे भाई, ये ब्लैक फ्रैंकलिन तो बहुत ही खतरनाक है। ओए सबसे पहले ले स्पाइडरमैन, ओए मार दिया, ओए मम्मी बचाओ, ओए ब्लैक फ्रैंकलिन की बच्ची ने क्या कर दिया मेरे साथ, ओए कितना बुरा मारा है मुझे। भाई साहब गाइस, मैं तो ब्लैक फ्रैंकलिन से दूर ही रहूंगा यार, इतना ज्यादा डेडली कब से बन गया यार ये मुझे। ओ भाई साहब अबे क्या कर रहा है ब्लैक फ्रैंकलिन, तुझे छोड़ूंगा नहीं, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ फिर यहाँ पर छोड़ने की बातें करना बेवकूफो। अब जल्दी जाता हूँ आगे। अरे बाप रे मैं भी चलता हूँ। चौप तू मेरे ऊपर क्या कर रहा है? बाबा भाई मुझे डर लग रहा है, कल बाबा मेरी टांगे कांप रही है, मैं अकेला नहीं जीत पाऊंगा इस रेस को। ठीक है तू चिंता मत कर, मैं डायमंड कैमरामैन हूँ तो यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा डायमंड का और खुद के लिए एक डायमंड वाला वे बना लूंगा, लेट्स गो। भाई साहब गाइस देखा, डायमंड कैमरामैन होने का फायदा, हम यहाँ पर जब चाहे जहाँ चाहे जितने डायमंड चाहे स्पॉन कर सकते हैं, बट अपना साइज अगर मुझे बढ़ाना है तो ट्रेडमिल चाहिए, इसलिए मैं किसी भी हालत में जीत के रहूंगा। ऑलराइट चौप मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से ऊंची जंप लगानी होगी तभी आगे पहुंच पाएंगे। मेरे बात की कुछ भी नहीं है भाई, भाई ये सामने तो टोनी स्टार्क का बच्चा खड़ा है। अबे खड़े नहीं हम लटके पड़े, बचा लो हमें। अबे प्लीज फ्रैंकलिन बचा ले, फ्रैंकलिन भैया प्लीज बचा लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जिंदगी चाहिए अपनी। रुको रुको बचाता हूँ मैं तुम लोगों को, रुको तो थोड़ा शांति रखो। हे हम खुद ही बच गए। अबे फ्रैंकलिन अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, निकाल यहां से ले। ओ भाई साहब टोनी मैं तुझे बचा तो रहा था, वाह भाई गिरा दिया कलवे, वाह बचा मेरे को, मजा आ गया। चलो अब जल्दी से आगे जाता हूँ। गाइस इस टोनी ने चीटिंग की है, ये जानकर ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे इसको मदद चाहिए, पर इसने तो मेरी बैंड बजा दी। अब बस मैं ट्रेडमिल से थोड़ी सी दूर हूँ, पर ये ब्लैक फ्रैंकलिन का बच्चा कहीं ऐसा ना हो भाई ट्रेडमिल ले गया हो। अरे गाइस मेरे पास भी एक ग्रैपलिंग होगा, पर यूज कैसे करूं? आइडिया, मैं अपने कैमरे से पहले कहीं कोई लोकेशन का यहां पे मैं अपना ग्रैपलिंग हुक अटकाऊंगा और ऊपर पहुंचाऊंगा। ये क्या मैंने क्लिक, लेट्स गो भाई साहब, काम कर गया। अरे नहीं दोबारा नहीं, फाइनली गाइस हम कम से कम ऊपर तो आ पाए। यार इस टोनी को मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए गाइस वहां पर ब्लैक फ्रैंकलिन, अबे मेरी पावर डीएक्टिवेट हो गई। अरे बाप रे, ओए तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं फ्रैंकलिन के बच्चे, लेट्स गो भाई चलो जल्दी चलते हैं। अरे यार ऊपर कैसे चढ़ूं समझ नहीं आ रहा है, लगता है आयरन मैन का सूट मंगाना। अबे तू क्या कर रहा था? ले ले तेरी तो, अरे मार दिया। यहां पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तू नहीं मेरे को नीचे गिरा था ना, ले आ टोनी गिरा दिया मेरे को। मजा आ गया, अब मैं अपना ग्रैपिंग रोप लेके ऊपर चला जाऊंगा। ओबे टोनी भाई तेरे कोई मार्शल आर्ट कहां से आ गई? बहुत हो गया गाइस, मैं यहां पर कैमरा फिल्टर का इस्तेमाल करके टोनी के मूव कॉपी कर लिया हूं, इसका मतलब जो टोनी पे आता है वो मेरे पे भी आएगा, इसलिए अब टोनी मुझसे लड़ा तो उसकी बैंड बजा दूंगा मैं। और गाइस ट्रेडमिल हमें यहां पे मिल चुका है। अबे ओए फ्रैंकलिन नहीं, वो ट्रेडमिल मेरा है। नहीं भाई इस ट्रेडमिल में मेरा नाम लिखा है सिर्फ। ओके ओ भाई साहब मैं तो जायंट डायमंड कैमरामैन बन चुका हूँ यार, और उसके बड़े मेरा ट्रेडमिल किसने यूज कर लिया, लेट्स गो। अब मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। गाइस एक काम करते हैं, जो लास्ट वाला फ्रेश लाइन वाला ट्रेडमिल है उसे भी लेने चलते हैं। गाइस ये ब्लैक फ्रैंकलिन अभी तक गिरा क्यों नहीं? और मैं ऊपर आ जाऊंगा, वो भी ब्लैक फिल्टर का यूज करके। व्हाट, ये क्या केस ब्लैक फ्रैंकलिन ने? अब भी बताता हूँ तेरे को ब्लैक फ्रैंकलिन। अरे गाइस कहाँ पर गया? छोड़ो वो नहीं दिख रहा मेरे को, मैं तो आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बड़े रोको उसको। अरे नहीं फ्रैंकी भैया तो बहुत आगे बढ़ गए, और टोनी भैया आपने हमें धोखा दिया, हमें नीचे गिरा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा है, हम टोनी भैया को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम आगे जाते हैं, हमें सुपर बाइक पे बैठेंगे और यहाँ पर जंप लगा के फिनिश लाइन वाला ट्रेडमिल ले लेंगे। बिल्कुल सही कहा है, और इसके बाद हम ही ट्रेडमिल पे नाचेंगे। अरे नाचना नहीं है, वहाँ पे भागना है। अरे यार मैं वापस से चेन शो निकाल लेता हूँ। वाह मेरी चेन शो आ चुकी है, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं काम करता हूँ, जल्दी से बाइक पे बैठता हूँ और यहाँ से उड़ के जाता हूँ। सबसे पहले उस सिंचैन और पिंचैन के बच्चे की खैर नहीं, उसके बाद मैं फ्रैंकलिन के उस डायमंड कैमरा को भी तोड़ दूंगा और यहाँ पर खुद बन जाऊंगा खूकार डायमंड टीवी मैन या फिर डायमंड फोन मैन। ये ले और मार दिया, ये क्या कर रहा है ये तू? बस मुझे इस वॉल को पार करना है, उसके बाद मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। इतनी आसानी से नहीं भाई, मैं भी आ रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर पूरा बैकअप है। बस ये लगाया ग्रैपलिंग हुक फाइनली। और बाप रे ये दीवार भी ऊंची है, ये दीवारें मेरी दुश्मन बन जाती हैं। आइडिया क्यों ना मैं ब्लैक फ्रैंकलिन को गाइस यहाँ से नीचे फेंक दूं। ले और ले और फिर से ले, इस बार तो नहीं आ पाएगा अपने ब्लैक फिल्टर का यूज करके। अबे टोनी कितना मारेगा, अबे छोड़ मेरे को, वो देख फ्रैंकलिन को आगे बढ़ा जा रहा है, तू मेरे को पीटने भेजिए। बात तो तूने सही कही, बस फ्रैंकलिन को रोकना है। ओ भाई साहब ट्रेडमिल ये रहा। अच्छी टोनी भैया यहाँ से मैं लूंगा ट्रेडमिल को। अबे नहीं, ओए ओए सिंचैन पिंचैन उस ट्रेडमिल से हट जाओ वरना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। भाग 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 टिक 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 घड़ी भाग। अरे वाह मैं तो क्लॉकमैन बन गया। अब यार ये क्या, अब मैं किसी को भी यहाँ पर किसी भी समय रोक सकता हूँ। गाइस 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 नहीं,
ओह नो, मैं लेट हो गया यार, सिंचन क्लॉकमैन बन गया, बट हम भी तो यहाँ पे जायंट डायमंड कैमरामैन है। और अब अच्छा है, बहुत बहुत बधाई हो। अरे कैसी बधाई, मैं तो हार गया, मैं भी हार गया। कोई बात नहीं, अब चलो अभी तो ये खतरनाक चीजें शुरू हुई हैं। अब समय आ गया तुम्हें दुनिया का टाइटन डायमंड कैमरामैन या टाइटन क्लॉकमैन बनाने का। इसका क्या मतलब है? मैं तुमको दूसरे टास्क पर लेकर आया हूँ। इस टास्क को बोलते हैं मिशन मिलिट्री स्किबिडी टास्क। इसका क्या मतलब है? ये कुछ स्किबिडी मॉन्स्टर हमारे देश की मिलिट्री पर कंट्रोल जमाना चाह रहा है। लेकिन किस तरह से? क्योंकि ये अपनी आर्मी को किसी भी तरीके से मिलिट्री स्किबिडी बनाना चाह रहा है। ये जितने भी लोग हैं ये सभी हमारे मिलिट्री आदमी हैं, पर इन लोगों ने इनको कैद कर लिया है और इन पोर्टल में ये इनको ले जाएंगे और देखो इनको क्या बनाएंगे। ऐसा क्या बनाएंगे भाई? और ये कैसे मिलिट्री मिशन? ओ भाई सब अभी समझा, तो ये लोग यहां पर हमारी आर्मी को स्किबिडी मिलिट्री आर्मी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बादशाह, इनके पास ये ट्रेडमिल है, ये सब इस ट्रेडमिल की वजह से हो पा रहा है। जो भी जाएगा इस ट्रेडमिल को पूरी तरह से स्पीड में भगाएगा वही यहाँ पर टाइटन गॉड कैमरामैन या स्पीकरमैन बन पाएगा। हे हे, फिर तो मैं जाऊंगा। लेकिन इन्होंने मुझे देख लिया तो बैंड बच जाएगी। आईडिया है, मेरे पास एक इनविजिबल बॉम्ब है, मैं खुद को गायब करके आगे बढ़ जाऊंगा। भाई साहब गाइस, अब ये पिंचन क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है इसके पास कोई इनविजिबल बॉम्ब है जिससे खुद को गायब। ओ भैया, पिंचन तो सच में गायब हो गया। गाइस दोस्तों, बस मैं आपको दिख सकता हूँ, किसी और को नहीं दिखूंगा। गाइस, अगर आपको पिंचन दिख रहा है तो जल्दी कमेंट में यस लिखिए, मुझे तो वही दिख रहा, बट वो गया कहाँ होगा। ये क्या, यहाँ पर तो इनविजिबल वॉल है। अरे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, अरे क्या करूँ। ओ भाई साहब, ये ब्लास्ट क्या हो रहा है? मुझे लगता है इन स्किबिडीज ने कोई इनविजिबल बॉम्ब लगा रखी है, पिंचन भी इनविजिबल हो गया तो हमें दिख नहीं रहा है। बट भाई, मैं यहाँ पर इनविजिबल वॉल को तोड़ सकता हूँ, लेकिन वो है कहाँ पर पहले मुझे ये पता करना होगा। तो यहाँ पर इनविजिबल जॉवेस, जल्दी से मैं आमेन का सूट भेजो। अरे वाह, भेज भी दिया। अब मैं अपने आमेन सूट को पहनकर सबसे पहले इस वॉल को डिस्ट्रॉय करूंगा, फिर उसके बाद इसके बडीज को पीटूंगा, और ये जो खतरनाक इसके बडी का जितने भी सारे ट्रेडमिल वो सब मेरे होंगे। मेरा साइज यहाँ पे बहुत जल्दी 1,00,000 हो जाएगा भाई। ओ भाई साहब गाइस, देखिए टोनी को यहाँ पर अपने सूट का इस्तेमाल करके खूब बॉम्ब बॉम्ब मारा, पर हो नहीं पाया। मैंने वॉल तो नहीं तोड़ी, बट मैं वॉल को आराम से उछल के जरूर आ गया। इसके बडीज और उसके बड़े, उसके बड़े हमला हमारी मिलिट्री पे हमला, उसके बड़े, उसके बड़े बैकअप बुलाओ और इस टोनी की बैंड बजाओ। अरे यार, मैं भी जाके जाऊंगा। अच्छा, इतनी आसानी से नहीं फ्रेंकली भैया, मैं आपकी बैंड बजाऊंगा। अबे छोड़, मेरे को क्या कर रहा है? मैं हूँ क्लॉकमैन, यहाँ पर सबको पीट सकता हूँ और किसी को छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई साहब यार, सिंचन को क्लॉकमैन का सूट मिल गया, क्या औसम है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है गाइस, मैं सिंचन से अगर पंगा लिया तो ये मेरे मूवमेंट को स्लो कर सकता है, क्योंकि इसको टाइम को कंट्रोल करने की शक्ति जो मिल चुकी है, क्योंकि ये क्लॉकमैन जो ठेड़ा आरास की बड़ी इसकी बड़ी, ये तो बहुत बुरा मार रहा है। बहुत हो गया दोस्तों, सिंचन यहाँ पर बिजी है दूसरों से लड़ने में, यही सही मौका होगा ट्रेडमिल पे जाकर खुद का साइज बढ़ाने का। आइडिया, सबसे पहले फिटर लगा के इस सिंचन के बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक डायमंड बाइक स्पॉन करते हैं। लेट्स गो। फ्रेंकली भैया, आपकी खैर नहीं, अभी रुको, आपको स्लो करता हूँ। अच्छा, जरा सिंचन एक बार नीचे देखना। नीचे क्या देखना, मैं नीचे कभी नहीं देखता। अच्छा, तो तू ही पछताएगा। गाइस, अभी देखिए मेरी डायमंड बाइक कैसे सिंचन का नाश करती है। अरे बाप रे, ये क्या कांटों वाली बाइक, ये कैसी बाइक है? आ, मेरे पैर में चुभ गए कांटे। लेट्स गो गाइस, यही सबसे बेस्ट मौका है। अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्पीड में भागूंगा और खुद का साइज 1,00,000,00,000 करूंगा। मैं बन जाऊंगा दुनिया का वेरी जायंट डायमंड कैमरामैन। इतनी आसानी से नहीं, अभी देखो, अपने सुपर क्लॉक का इस्तेमाल करता हूँ और आपके मूवमेंट को इतना ज्यादा स्लो कर दूंगा कि आप भाग ही नहीं पाएंगे। एक मिनट सिंचन, ये क्या कर रहा है तू भाई मेरे पीछे? यहाँ पर ट्रेडमिल तो मैं ही लूंगा। ओ नो नो पिंचन, वो ट्रेडमिल मेरा है। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया मुझे, मैं तो बहुत स्लो हो गया। हाँ फ्रेंकी भैया बताइए, अब कैसा लग रहा है? नहीं 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 नहीं, गाइस कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेडमिल को किसी और के हवाले नहीं करूंगा। भाग भाग, मजा आ रहा है। अरे पिंचन क्या कर रहा है, वो ट्रेडमिल मेरा है। और उसकी बड़ी, इसके बड़ी ट्रेडमिल मेरा है, ये लो, तुम सबके सब मारे जाओगे इसके बड़े। तो गाइस, इसी की कमी थी, वैसे अच्छा हुआ इसने यहाँ पर सिंचन के क्लॉक को तोड़ दिया। शायद नहीं, मेरी तो हालत खराब कर दी। इसके बड़े, ये ट्रेडमिल मेरा है। गाइस, यही सही मौका होगा इस ट्रेडमिल के भागने का, क्योंकि देखिए अभी पिंचन को भी इसके बड़ी ने पीट दिया है और साथ साथ में सिंचन को भी। चलिए गाइस, अब यहाँ पे अपनी पूरी सुपर कैमरा स्पीड दिखाते हैं और यहाँ पर इसके बड़ी की बैंड बजाते हैं। उसके बड़े, ये क्या कर रहा है? भाई साहब, मेरे डायमंड कैमरा की स्पीड देखिए आप एक बार, क्या ऑसम लग रही है। गाइस, इस स्पीड को क्या रेटिंग देना चाहेंगे, 10/10 या 10/5? जल्दी कमेंट में लिखिए। बाकी देखिए आप भी, मैं इसके बड़े का क्या हाल करने वाला। और आना है इसके बड़े, इसके बड़े। ओ भाई साहब, क्या पंच मारा, एक पंच में पता नहीं कहां चला गया वो। खैर दोस्तों, यहां पर यार मैं अभी टाइटन कैमरा मैन नहीं बन पाया, मतलब मैं अभी वेरी जायंट एक लाइक सा क्या हूं। और अब अच्छे बधाई हो। अरे कैसी बधाई, ये फिर से फ्रैंकलिन जीत गया। लेकिन चिंता मत करो,
इस बार तुमने मिलिट्री को बचाया है, इसलिए इस बार तुम्हारे पास एक और मौका है अपने आप को साबित करने का। ओ भाई साहब, इस बार हम कहा है, इस बार आए हम टोनी स्टार्क के स्टार्क मैनसन। तुमको पता ही होगा हल्क ने और रेड हल्क ने किस तरह से अपने आप को टाइटन लेवल का गोल्डन जायंट और भी खतरनाक लेजर मैन बनाया था, वो तो हमें पता है। लेकिन इस बार इस हल्क ने और रेड हल्क ने साथ मिलकर डायमंड स्पीकर मैन या फिर डायमंड लावा मैन इन जैसे लोगों की आर्मी बनाई है जिन्होंने पूरे स्टार्क मैनसन पे कब्जा कर लिया है। भाई साहब, अबे नहीं, मेरा स्टार्क मैनसन कब्जे में आ गया और इनका सबके पीछे जो हाथ है वो इस रेड हल्क का है और साथ साथ में हल्क का है जिस बेचारे हल्क को उसने किडनैप कर लिया है। व्हाट, अबे रेड हल्क ने धोखा दे दिया हल्क को। ओ माय गॉड, मैं तो सोच रहा था हल्क ने रेड हल्क में साथ मिलकर काम किया है। इसने बचा लो, तुमको जल्दी जानी है रेड हल्क को हराने के लिए और उसकी टीम को हराने के लिए ये ट्रेडमिल लानी है। ट्रेडमिल पर भागो, अपना साइज बढ़ाओ और गोल्डन टाइटन मैन के इस मालिक रेड हल्क की बैंड बजाओ। क्या बात है, मैं अपना घर भी बचाऊंगा, हल्क को भी बचाऊंगा और इस गोल्डन टाइटन कैमरामैन या लेजर मैन जो भी है इसकी बैंड बजाऊंगा। गाइस, टोनी मुझे लगता है भाई सर्वाइव नहीं कर पाएगा इतने सारे डायमंड मैन से। अच्छा ले फ्रैंकलिन, देख मेरा आयरन मैन का सूट बेशक छोटा है भाई, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाकाओं में। ये बात तो सही की यार, टोनी ने कैसे भाई अनएक्सपेक्टेडली पूरे डायमंड लावा मैन को हरा दिया। अबे ओए टोनी के बच्चे, अबे रुक, सुपर डायमंड साउंड से तुझे मारता हूं। अबे ये साउंड है कि ब्लास्ट है भाई, मेरे साउंड ब्लास्ट से कम थोड़ी है। ओ माय गॉड, टोनी की तो बैंडी बच गई। लेकिन मैं हूँ क्लॉकमैन, हाँ सुपर क्लॉकमैन, सबसे पहले मैं इस गोल्डन लेजर सूट को खराब कर दूंगा जिससे कि रेड हल्क भैया कुछ ना कर पाए। आई सिंचन का प्लान तो सही है भाई, बट यहाँ पर इससे तो रेड हल्क हो सकता है कि यहाँ पर अपने गोल्डन लेजर मैन के सूट को पहनकर सिंचन के क्लॉकमैन को खराब कर दे। मेरे पास एक बढ़िया तरीका है, जितने सिंचन उसके गोल्डन लेजर मैन के सूट को खराब कर रहा है क्यों ना मैं रेड हल्क को उठा के यहाँ पर भाई पीट पीट के बेहोश कर दूं। और कौन है तू? मेरा नाम है डायमंड कैमरामैन और मैं तेरी बैंड बजाने आया हूं क्योंकि वो ट्रेडमिल मेरा होने वाला है। और थोड़ा मार दिया मुझे, लेट्स गो। हम यहां पर अभी रेड हल्क की अच्छी खासी बैंड बजाएंगे, ट्रेडमिल पे अपना साइज बढ़ाएंगे, हल्क को भी बचाएंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार अपना जरा गोल्डन लेजर मैन का सूट पहन लूं, सबको लेजर से मारूंगा, खूब मारूंगा और सबसे पहली मौत हल्क की होगी। और मेरा गोल्डन लेजर मैन, चल तुझे जल्दी से मैं पहन लेता हूं। ओ नो नो नो, ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये रेड हल्क का बच्चा तो यहां पर गोल्डन लेजर मैन का सूट पहन लिया। फ्रैंकलिन, अब यहां पर कैसे बचाएगा अपने चहीते हल्क को? मैं तुझे यहां पर लेजर से मार दूंगा, समझा? और लेजर मैन मैं हूं, तू नहीं। हां, हल्क को मारा, हल्क को बचा। ओ नो, गाइस क्या हो रहा है? गाइस आप लोग प्लीज जल्दी से डायमंड कैमरामैन ओपी लिखिए भाई। फ्रैंकलिन भैया, ये सब आपकी गलती है। अरे मेरी गलती नहीं है, मैं यहां पर रेड हल्क को नहीं कुछ कर रहा था। अबे फ्रैंकलिन, ये तेरी गलती है, ये अपनी गोल्डन लेजर सबको मार रहा है। नहीं, ये लो सुपर गोल्डन लेजर मीटियोर अटैक, कैसा लग रहा है सिंचन? अरे बाप रे, मेरी तो हालत खराब हो गई, कोई प्लीज मुझे बचाओ। ओ नो यार, ये रेड हल्क का बच्चा तो मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने पे लगा पड़ा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गाइस जल्दी जाता हूं और जल्दी से जाके सबसे पहले ये जो डायमंड स्पीकर मैन या गन मैन है मैं इनकी बैंड बजाता हूं। हटो सबके सब। अबे अबे क्या कर रहा है तू? ये एक और बचा है भाई, ये बूम बॉक्स मैन, इसकी भी बैंड बजा ले। फाइनली दोस्तों, अब यहां पर ट्रेडमिल मेरा है, यहां पर कोई और मुझे नहीं रोक सकता। फ्रैंकलिन, ट्रेडमिल से दूर रहना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फ्रैंकलिन, वो ट्रेडमिल मेरा है, मेरा स्टार्क मैनसन, मेरा भाई हल्क, और तू कौन होता है यहां पर ट्रेडमिल लेने वाला? मेरी दुनिया खतरे में, तेरी नहीं। कैसी बातें कर रहा है? पहले तो हल्क को तू ही मारना चाह रहा था, तो हल्क जब नाकामयाब था, हल्क अब काम वाला इंसान है, इसलिए ये ट्रेडमिल मुझे चाहिए। नहीं, हल्क चाहता है ये ट्रेडमिल फ्रैंकलिन को मिले। बिल्कुल गाइस, अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखिए। बाकी टोनी, इसको गाइस मैं लगा देता हूं डायमंड फिल्टर ट्रैप। अबे अबे ये क्या कर दिया, मुझे कहां फंसा दिया? भाई साहब, अब ये टोनी का बच्चा इस डायमंड के फिल्टर्स में अटका रह जाएगा और मैं यहां पर अपना साइज करोड़ों में बढ़ा लूंगा। ऑलराइट गाइस, मैं यहां पर अपनी पूरे पोटेंशियल से भाग रहा हूं इतनी तेजी में भाई कि कोई कैच भी नहीं कर पाएगा कि मैं कितनी स्पीड में भाग रहा हूं। अरे बिल्कुल, हल्क के लिए तू बड़ा हो जा और अपना साइज 8,000 करोड़ कर ले। लेट्स गो, लेट्स गो। बॉय साहब, अरे नहीं, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं गोल्डन लेजर मैन फ्रैंकलिन, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा और मैं हूं यहां पर टाइटन डायमंड कैमरामैन भाई। और गाइस, मैं 3 एडिट हो चुका हूं, मतलब मेरे हेड पे 3 कैमरास हैं। और गाइस, अब मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूं। क्या क्या ट्राई कर रहा है? सबसे पहले ये ले। ओ भाई साहब, मैंने इसको यहां पर टेलीकिनेसिस की पावर से उल्टा लटका दिया और अब हम इसको ब्लास्ट करेंगे। भाई साहब, क्या ब्लास्ट किया? अरे हेड फोड़ दिया मेरा, मेरी पूरी लेजर खराब कर दी फ्रैंकलिन का बच्चा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस, अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो कमेंट में जरा बताइए क्या चाहिए। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।